नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर सप्ताह कुछ कहता है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे उंगलियों के फासले, उंगलियों के फैलाव के माध्यम से आपके व्यक्तित्व को हम कैसे जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि आप हाथ को पीछे की ओर से देखें और आपकी जो उंगलियां हैं नॉर्मल तरीके से रखने पर भी उनमें छेद छेद या फासला दिखाई दे, हल्का सा गैप दिखाई दे, तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं थोड़े खर्चीले स्वभाव के होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति पैसा बहुत खर्च करते हैं। इनकी जो तरक्की होती है वह विवाह के बाद ज़्यादा होती है। यदि ऐसे लोग जिनके हाथ में बिल्कुल गैप नहीं होता, बिल्कुल उंगलियां सटी हुई होती हैं और सटने के बाद उसमें कोई भी गैप नहीं दिखाई दे, तो ऐसे जो लोग होते हैं इनकी सोच अच्छी होती है, बैलेंस्ड होते हैं, लेकिन बहुत खर्चीले नहीं होते, सोच समझ कर खर्च करना पसंद करते हैं। अब हम दूसरे तरीके से जानेंगे उंगलियों के फासले को, अर्थात यदि हम हाथ को पूरा फैला लें और तो देखेंगे कि अलग अलग जो उंगलियां हैं हमारी अलग अलग दिशा में जाती हैं। कितनी बार आप देखेंगे कि कुछ उंगलियां अब ज़्यादा दूर हो गई हैं और कुछ उंगलियां पास हैं। अब फैलाने के बावजूद आप देखेंगे कि यदि आपकी बीच की उंगली, अर्थात आपकी जो लंबी उंगली होती है जिसे आप शनि की उंगली कहते हैं, और उसके जो बगल वाली उंगली होती है जिसे आप अनामिका उंगली कहते हैं या सन फिंगर भी कहते हैं, यदि इन दोनों के बीच, वैसे तो मोस्टली आप देखेंगे कि फासला कम होता है, लेकिन यदि शनि की उंगली अलग जाए और सूर्य की उंगली अलग दिशा में जाए और काफ़ी ज़्यादा गैप हो अन्य उंगलियों के मुकाबले, तो समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारियों से बचना चाहता है। लेकिन यदि फासला कम है और वो काफ़ी सटी हुई हैं एक दूसरे से, मतलब फैलाने के बाद भी काफ़ी निकट दिख रही हैं एक दूसरे से, तो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारियाँ जितनी हो सकती है वो निभाता है। अब इसी तरह से अगर हम तर्जनी उंगली, अर्थात आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और बीच की उंगली को यदि देखें, तो उसमें अन्य उंगलियों के मुकाबले, अगर हम फैलाने के बाद देखें कि अन्य उंगलियों के मुकाबले उनमें एक दूसरे से ज़्यादा दूरी है या ज़्यादा गैप है, ज़्यादा फासला है, तो ये बताता है कि जिसकी भी व्यक्ति की जो तर्जनी उंगली वो ज़्यादा दूर यदि जा रही है, तो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति अपने तर्क को उचित बताता है, अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश करता है, किसी दबाव से प्रभावित नहीं होता। लेकिन यदि ये जो तर्जनी उंगली है ये शनि पर्वत की ओर या शनि की उंगली के पास बहुत सटी हुई हो, पास में हो, उसकी ओर झुक रही हो, तो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति अपने ही बात को ऊपर नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पे उसके अंदर शनि की जो आप कह सकते हैं शांति प्रियता, ये शनि की जो गंभीरता है वो आ जाती है, तो वो दूसरे व्यक्ति की बातों को भी सुनना पसंद करता है। इसके अलावा मोस्टली आपने देखा होगा बहुत लोगों की हाथों में ऐसा होता है कि जो कनिष्ठिका, अर्थात जो सबसे छोटी उंगली है, और जो अनामिका है आपकी और कनिष्ठिका, इन दोनों के बीच ज़्यादा फासला होता है, अर्थात जो छोटी उंगली वो ज़्यादा अलग हो जाती है, तो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं करता। मतलब वो अपनी सोच एक अलग रखता है, एक आइडेंटिटी अलग रखता है, अपनी चीज़ को पाने के लिए पूरा प्रयास करता है, चाहे कितना भी प्रेशर हो, वो अपने मुकाम को हासिल करने के लिए हर बंधन से लड़ने का प्रयास करता है। और ऐसे व्यक्ति जो सोचते हैं उसे करके रहते हैं। यदि फासला कम होता है, अर्थात जो आपकी छोटी उंगली है अगर फैलाने के बाद ये सूर्य पर्वत की ओर ही ज़्यादा झुक रही है, तो बताता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा हटी नहीं होता और दूसरों की बात मान जाता है। तो ये एक ऐसा एनालिसिस है जो आप हाथ के माध्यम से किसी व्यक्ति की उंगली के फैलाव से भी आप जान जाएंगे कि व्यक्ति कैसा। और एक बहुत जो विशेष टिप जो हमारे गुरु ने हमें बताई है कि जिन लोगों की जो उंगलियां हैं फैलाने के बाद अंदर की ओर क्रूक्ड होती हैं, अर्थात अंदर की ओर आएँ, तो ऐसा व्यक्ति अपने विचार पर अड़ता है, उदारता की कमी होती है। ठीक है, थोड़े संतुलित होते हैं, वर्ल्डली होते हैं, लेकिन बहुत उदार नहीं होते, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करते। लेकिन यदि आप अपनी उंगलियों को फैलाएं और उंगलियां जो हैं आपकी बाहर की ओर जा रही हो और थोड़ा पीछे की ओर झुक रही हो, तो ऐसा व्यक्ति उदार हृदय का होता है, जीवन में हर कठिनाई हर परिस्थिति में सामंजस्य बिठा के रखता है, वातावरण में अपने आप को ढालने के योग्य होता है। और ऐसा व्यक्ति यदि जीवन में कुछ विशेष करे या उसके हाथ में कुछ विशेष रेखाएँ हों, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ सफलता भी हासिल कर लेता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ इस तरह से आपने अपने हाथ की उंगली और हथेलियों के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, जिसके माध्यम से आप अपने व्यक्तित्व को सुधार सकते हैं और अपने व्यक्तित्व में बदलाव ला सकते हैं, ताकि
आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं आप उसे ख़त्म करने का प्रयास कर सके। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और हमेशा ध्यान रखें कि भाग्य रेखा और रेखाएँ जितनी भी हैं वो एक संकेत हैं, लेकिन कर्म सर्वोपरि है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।